मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। पापा से मैंने इतना धैर्य और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया, उस दिन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर उस मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊँ और वहाँ पे वो कर सकूँ, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से, मैंने आखिर आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी, पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूं, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है, मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात करूँ, वो चाचा ही थे। पापा के बाद मैं उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी, क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश कुमार, मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमज़ोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूँ, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। आज भी मैं इस बात को, मैं कैसे बोलूँ कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहाँ तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी किया जाएगा। दूसरा ये कि जब आपने ये कह दिया था ये लीगल मामला है, आप लोग दोनों लोग पुलिस के पास चले जाइए, तो फिर आपने पत्र में क्यों नाम लिखा और आपने कोई कार्रवाई की? मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने ये पत्र लिखा था, होली के दिन मैंने पत्र लिखा था। इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया जाएगा ये मेरी मंशा कभी नहीं थी। देखिए, राजनीति में कौन कल क्या करेगा ये कहना मुश्किल होता है। निसंदेह वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान जी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वैसे हालात में हमें लगता है कि एक पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग अगर एक जगह बैठ के मामले का समाधान निकालना चाहे तो निकाला जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको क्या ऑफर मिल रहा है और कहां जाने की वो सोच रहे हैं उनका मामला है, लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल ने हम लोगों को भी अपने गठबंधन में शामिल कराया था, अपने यहां बुलाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमारे साथ क्या व्यवहार किया ये सबने देखा। इसलिए चिराग पासवान जी से आग्रह है कि अगर किसी दल के संपर्क में अगर वो हैं तो सोच समझ के निर्णय लेंगे, क्योंकि बहुत लोग बुला करके दरवाजे पे बेइज्जत करते भी हैं।